मैं कहूँगी सॉन्ग्स आर रियली नाइस, बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स हैं और करिश्मा ने और कुणाल ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है. एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छी हिट होने वाली है. कल जैसे कि रिलीज़ हो रही है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं था, तो मुझे तो बहुत डिफरेंट लगा. बाकी लेट्स सी, डिसाइड आप ही लोग करोगे. लेट्स सी डायरेक्शन बहुत अच्छा है. आज मुझे कितने स्टार दोगे? हाँ जी, आज मुझे कितने स्टार दोगे? फाइव में से कितने स्टार होंगे? शायद फाइव से ज़्यादा. अगर स्टार होंगे तो उससे ज़्यादा ही आएंगे, मैं तो यही बोलूँगी. मूवी बिल्कुल नया कंसेप्ट है, एक्टर अच्छे, एक्टिंग बहुत अच्छी है, खासकर लास्ट का जो अभी इंटरवल से पहले फाइटिंग सीन था, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एक्टर एंड वेरी गुड फिल्माइजेशन. ओवरऑल पिक्चर टिल नाउ इज वेरी वेरी गुड, समथिंग न्यू कंसेप्ट, नेवर नेवर सीन बिफोर, नेवर हर्ड बिफोर. थैंक यू सर. काफ़ी अच्छी लगी मुझे मूवी. कुणाल रॉय कपूर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और करिश्मा और कुणाल साथ में काफ़ी अच्छे लगे. एंटी रोमियो की बात करें, क्या कहना है, ये असली घटना पर आधारित मूवी है. जी एक्चुअली इस टॉपिक को उठाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल जो चल रहा है यहाँ पे वो लोग इग्नोर करे जा रहे हैं और लड़का लड़की बाहर मिलना ये सब बहुत सबको बुरा लग रहा है. बट ये जो टॉपिक उठा है उसके बाद आई थिंक लोग इसको देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, पॉजिटिव वे मिलेंगे. आई थिंक 9. सर क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगी आपको? फिल्म का जो कंटेंट है, स्टोरी है, बहुत अच्छी है और ये जो कुणाल जी है हमारे एक्टर है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक्ट्रेस भी अच्छा काम किया है. अब हम सब यही कह सकते हैं कि जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं हरीश सर, उन्होंने बहुत ही दिल से फिल्म को बनाई है और हम अपने जितने ऑडियंस हैं हम सबके बारे में सबसे यही कहना चाहेंगे कि फिल्म ज़रूर देखें एक बार. सर इसको मैं 4 मार्क. कैसे भी आपको की बात करें, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा फिल्म अभी मैंने पूरी देखी नहीं है, लेकिन जो भी देखी है ये कहूँगा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है. और सबसे प्लस पॉइंट जो हमारे हरीश भाई हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं, उनकी एक अच्छी खासियत ये है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, ये मेरा एक अपना थॉट है एज अ फिल्म मेकर, मैं ये कहूँगा कि हमारी फिल्म जो भी है जैसी भी है हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए. तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसको एनी हाउ इसको रिलीज़ करना ये बड़ी बात है. तो बस इतना ही कहूँगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और अभी तक जितना देख रहा हूँ एंजॉय कर रहा हूँ. थैंक यू. किसमें 10 में से? 10 में से 8. कैसे लगी मूवी आपको? जितनी मैं अभी तक देख पाई हूँ, फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और कानपुर का जो सब्जेक्ट इन्होंने उठाया है, जिस तरह से लवर्स को बड़ी दिक्कतें होती है या 14 फरवरी को उन लोगों को पीट दिया जाता है या उस तरह की जो हरकतें होती है, तो उसके लिए इस तरह का एक यूनिक कॉन्सेप्ट सोचा गया तो वो बहुत ही बढ़िया है. सच्ची घटनाओं पर ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल. यही कि एक्चुअली जो लोग हैं या यंग कपल हैं वो आपस में मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अगर उससे भी उन्हें रोक दिया जाएगा तो वो कोई ना कोई और रास्ता खोज लेंगे. तो हमें उनके साथ जबरन कुछ इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए. अभी तक जितनी मैंने देखी है कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस तरह से ये सोचा गया है उसके लिए 7. मूवी अभी तक हमने फर्स्ट हाफ देखा है तो अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग स्टोरी लाइन है. बात बात में बहुत कॉमेडी भी है, पंचेस स्ट्रॉन्ग है, कैरेक्टर्स अपना रोल अच्छा प्ले कर रहे हैं. अभी तक तो मूवी बहुत ग्रिपिंग है, अभी सेकेंड हाफ में देखते हैं क्या होता है. दिखाया गया एक्चुअली ये मुंबई में बहुत बीच में हुआ था, जब शिव सैनिकों और वो सब का जो सीन होता था मुंबई में, कपल्स को अलाउड नहीं, मतलब वो देखते थे तो वो पीटना चालू करते थे एंड स्पेशली ऑन वैलेंटाइंस डे. तो आई थिंक द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड दैट ओनली. बट उन्होंने कानपुर सिटी का दिखाया है, जो छोटे टाउन का भी कैसे होता है वो सब वो कैसे दिखा रहे हैं कि कपल से कैसे लोग डील करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज आई थिंक कपल्स एंड लव शुड बी फ्री, यू नो, इतना कुछ बाउंडेशन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर. तो वो चीज़ हम मैसेज पहुंचा रहे हैं इस मूवी से. 10 में से 8. कैसी लगी होटल मिलन की बात करें? हाँ, होटल मिलन एक अच्छी फिल्म है, कॉमेडी भी बहुत अच्छी है और एक रियल सिनेमा है जिसमें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एंटी रोमियो
कैंपेन चला हुआ है उसके बारे में है और अच्छी फिल्म बनाएंगे। जी 10 में से मैं 7 मार्क देना चाहूँगा, फिल्म अच्छी है और कुणाल राय कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है।